दीन ने कब कहा था कि मगरिब की चार रकातें पढ़े आप? दीन ने तो नहीं कहा है। तो दीन ने कब कहा है कि आप रबीउल अव्वल की किसी तारीख को रोडों पे खड़े हो जाए और आ गया वो ताज वाला, दो चार आदमी इधर दो चार वहां, और एक खास किस्म की जो है ना दज्जाल के सिपाहियों की पगड़ी सर पे रखे और लोगों को कहे जी मीलाद शरीफ है, मीलाद शरीफ है। मीलाद शरीफ सिर्फ आपके घर में है, इस्लामी अमल दिखाओ। और इस्लाम बिदतियों की फैक्ट्री में नहीं बनता, इस्लाम वो है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके आए, और क़यामत तक इन आमाल का कोई सबूत पेश नहीं कर सकता। बुजुर्गान दीन ने हमेशा इस पर नाराजगी जाहिर फरमाई है। मैंने गुज़िश्ता जुमे की तकरीर में ये सब बातें कही। फिर देखो अल्लाह ताला नबी इसलिए नहीं भेजते कि लोग कोई दिन मालूम कर ले और उस दिन को जश्न मनाए। कुरान शरीफ भी तो नाजिल हुआ है, शुरू भी हुआ है कुरान का नुज़ूल और मुकम्मल भी हो चुका है कुरान का नुज़ूल, तो न इब्तिदा में कोई जश्न है और न इख्तिताम पर कोई खुशी का दिन है। क्यों? इसलिए कि कुरान पर ईमान लाना और कुरान पर अमल करना इसकी ताकीद कर दी गई है, जो मजबूत प्रोग्राम है। तो लायानी और बेहूदा बातों में इस्लाम लोगों को नहीं उलझाता। हरगिज इस्लाम ऐसी बातों में वक्त जाया नहीं करता। अहले आने हक और अहले आने बातिल के दरमियान ये हद फासिल है कि वो मनगढ़ंत प्रोग्रामों को दीन समझते हैं, और अहले हक दीन की बुनियादों के तहफ्फुज के साथ चलते हुए अल्लाह की रजा और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्तेबा उसको दीन समझते हैं।